तो गाइस क्या हाल है आप सबके? देखो यार, मुझे पता है बेरोजगारी में हम तुम दोनों की जिंदगी गमों से भरी चल रही है, लेकिन यार कब तक उन गमों को लेकर हम अपनी गांड की दीवारों को गुजलाते रहेंगे। तो यार समय आ चुका है खुशियां मनाने का, मीठे मीठे लोकगीत सुनने का, और फिर लगा लो अपनी बॉन्ड में 5 रुपए का सस्ता फेविकोल, क्योंकि आज हम आपको ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां पर खुशी और गम दोनों का एक साथ गांड मार दिया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर चोनू से लेकर मोनू, पहाड़ी से लेकर भिखारी, भोसड़ी वाले बाबा के भक्त होने के साथ साथ बहुत बड़े सिंगर भी हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बड़े बड़े बकचोदों को भी कभी ना खत्म होने वाली बकचोदी सिखा दी जाती है। नहीं यार, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी सिनेमा के बारे में। बीच में झूमते हुए गुमनाम टट्टे, ऐसा गाना जिसे सुनकर थैनोस भी घबरा जाए, और अगर तुम इस गाने का लॉजिक ढूंढने गए तो फिर कसम भोसड़ी वाले बाबा की, और तुम्हारे पास कहने के लिए सिर्फ एक ही शब्द बचेगा, माता चोनू जो इसमें आया, क्योंकि ये वो बकचोदिया है जो गाना गाने से पहले कुछ ऐसा बवासीर पेलते हैं। देखो यार, बवासीर तो सभी इंडस्ट्रीज फैलाते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही फैलाता है, क्योंकि यहाँ के एक्टर एक आम एक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। होटलाली से रोटी, आम भाषा में इसको चुम्मी लेना कहा जाता है, लेकिन इन बकचोदों ने तो इसका नाम ही बदल दिया। और अगर तुम अपना चंचल दिमाग इस गाने की एडिटिंग पे लगाते हो तो तुमको सिंगर के नाम के साथ साथ उसके फूफा ताऊ मामा मौसी के नाम के साथ उनके नंबर भी दिए जाते हैं। नहीं यार, तभी तो बनता है एक परफेक्ट भोजपुरी सॉन्ग। लगाने के लिए सड़क छाप गंजेड़ियों को भी बुलाया गया है, जो कभी तो कैमरे में झांकते हैं तो कभी तो हीरोइन के ब्लाउज में। तो यार चलते हैं उस बकचोदे की तरफ, जिसे ब्याह करने में बड़े बड़े बकचोदों की भी गाड़े फट गए। देखो यार, अमेरिका के पास अगर जॉनी सिंह है तो हमारे पास पवन सिंह है, बस पर कितना है कि टकला भैया कमर हिलाना जानता है, और पवन भैया अजीब चुतियापा बहन चोद। लेकिन यार इनके चुतियापे को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, यही वो इंडस्ट्री है जिसने हमें बताया कि हमारे लैंड और बैंगन में कोई अंतर नहीं होता है, और बैंगन को भी पहली बार पता चला कि इसका प्रयोग खाने के अलावा कहीं और भी होता है। और अगर बात की जाए इन बकचोदों की हैवानियत के बारे में, तो ये तो माल पटाने के लिए ही लड़ जाते हैं, अगर एक चुम्मी लेता है तो दूसरा गाली देता है, और अगर दूसरा लेता है तो पहला गाली देता है, कभी तो लड़के के ऊपर भैंस के चमड़े वाली बदबू छोड़ी जाती है, और कभी तो ये और ये जो तुम पट्टी पहनने के बाद आखिर में दोनों का सिर्फ एक इशारा होता है, उसे नहीं चाहिए हो कुछ हमरा हो चाहिए। और इस भसड़बंदी में बुड्ढे ही नहीं बुटिया रहे, बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं यार, मुझे अब नहीं जीना, मैं काले कुत्ते की गांड सुनकर अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि तो यह सब मुझसे अब नहीं देखा जाएगा। इस भैंसों को हव चाहिए और ये लुल्ला भी थर्मामीटर लिए घूम रहा है। यही वो खुजली है जो कोरोना से भी 100 गुना तेजी से फैल रही है, और जिसकी चपेट में धीरे धीरे पूरी यूपी आती जा रही है, क्योंकि यहाँ कभी रेशमा बेफा होती है, कभी जूली तो कभी पूजा, और कभी कभी तो पूजा मर ही जाती है। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।